सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं हूँ कुणाल और आप देख रहे हैं अतरंगी ब्लॉगर्स। तो गाइज, अभी हम राइड पे निकल रहे हैं और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:20। तो अब हम राइड पे निकलते हैं और हमारे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू रहे। मॉर्निंग गाइज, और अभी हम लोग दामा पुल के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, मैंने लोकेशन को तो रिवील कर दिया है। हम दामा पुल के लिए निकल रहे हैं अभी। ठीक है, और मुझे बताइएगा ऑडियो क्वालिटी कैसी है इस बार की। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। और ऑडियो क्वालिटी प्लस पिक्चर क्वालिटी दोनों कैसी है इस बार ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, दामा पुल के लिए निकल रहे हैं और एट द एंड ऑफ वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं आप सभी को ये बता सकूँ कि दामा पुल जाने में कितना खर्चा होता है। ठीक है, और अगर आपके पास जिस तरह की, जैसे कि मेरे पास ये बाइक है, तो इस बाइक से मुझे कितना खर्चा लगा ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और सारी बातें करेंगे। तो पहले हम दामाकोल पहुंचते हैं। ठीक है, और दामाकोल पहुंचने से पहले आपको हम बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाएंगे। तो व्यूज़ देखने के लिए गाइस, अभी हम लोग जस्ट क्रॉस किए हैं। अभी हम लोग सुंदरपाड़ी थाना को क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं। ये एक टर्न है। ठीक है, इस टर्न को लेने के आफ्टर ट्रैवलिंग 18 किलोमीटर हमें इस टर्न को लेना है। इस रास्ते से हमें जाना है 26 किलोमीटर में। ठीक है, तो इस जंगल में और इस गांव में हम 26 किलोमीटर तक आगे जाएंगे, और कहां जाएंगे आप लोग देखिएगा और हमारे साथ ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। देखिए ये रास्ता देखिए आप कि ये रास्ता कैसा है। ठीक है, दोनों साइड में जंगल ही जंगल है पूरा। ठीक है, और इसी रास्ते में हमें 26 किलोमीटर तक हमें जाना है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है इस रूट में। ठीक है, जो कि आप लोगों को दिखाएंगे हम। और हमें ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है। ठीक है, इसलिए हम सोच रहे हैं एक कप गर्मा गर्म चाय अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो देखते हैं, अगर हमें कहीं चाय की स्टॉल अगर मिलती है, अगर कोई कुल्हड़ अगर हमें मिलती है, तो हम ज़रूर रुकेंगे और वहाँ चाय ज़रूर पियेंगे। तो चाय पे मिलते हैं, चलिए। तो गाइज, कुछ दूरी ट्रैवल करने के बाद हमें अभी तक चाय नहीं मिली है। ठीक है, और हम चाय की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ठीक है, चाय तो ज़रूर ही मिल जाएगी, इतना तो हमें यकीन है खुद पे और अपने नसीब पे भी। तो देखिए, ऑलमोस्ट हमने बहुत दूर ट्रैवल कर चुका है। ठीक है, और जब आप इस एरिया में आते हो तो आपको बस एक फर्स्ट राइट लेना है, अपने लेफ्ट लेना है। ठीक है, और लेफ्ट लेने के बाद आपको चलते जाना है। ठीक है, तो बस इसी तरह कंटिन्यू रहे हमारे साथ। और चैनल पे अगर न्यू हो तो दोबारा से सब्सक्राइब कर दो, अगर कर दिए हो तो। ठीक है, अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दो। चलो, टाटा। हमारे साथ एक झलक देखिए, हम अभी किस जगह पे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जगह बड़ा प्यारा लग रहा था देखने में, इसीलिए हम इधर आ गए। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा जगह है ये। नहीं भाई, अमरूद नहीं है, कोई अमरूद जैसा है बट अमरूद नहीं है। पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है ये किस चीज़ की गाछ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो गाइस, अभी हम लोग इस जंगल से निकल के अपने राइड को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओ भाई साहब, काफ़ी काफ़ी तीखा मोड़ था ये। ठीक है, और हमने इसे पार कर दिया। तो गाइस, अभी एक बहुत ही अच्छा सा नज़ारा दिखा था हमें। ठीक है, हमने सोचा उसके पास जाने का, लेकिन नहीं जाता। ज़्यादा
पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। ज़्यादा प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी फेस कर चुका है इस ब्लॉग में, ठीक है, और पता नहीं और कितना करना पड़ेगा, बट जितना भी करना पड़ेगा हम करते ही है और करेंगे। देखिए वो पागल हो चुका है बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, आप लोग जब आओगे आप लोग को भी बहुत पसंद पड़ेगा ये। तो गाइस जैसा मैंने बोला था कि हम दामाकोल पहुँच गए, देखिए देखिए एक दामाकोल का एक ये नज़ारा दिखा, कैसा लगा ये, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, ये चारों बगल से एक जैसा है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ उस जगह पे अब हम जाएंगे, ठीक है, और आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छे से, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। चलिए तो वेलकम है आप सभी का दामाकोल के ब्लॉग में, और दामाकोल में पहुँच चुके हैं, फिर दामाकोल के ब्लॉग दिखाते हैं। सोच रहे हैं ऊपर जाने का, ऊपर किस तरह से जाए नहीं पता, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें जूता हमारा भींगेगा ही भींगेगा भाई, एक बात बोले खाली पर चलते हैं। तो देख लीजिए गाइस किस जगह फंसे हुए हैं हम लोग का देख लीजिए, फंसे हुए नहीं फंसाया गया है। हाँ यार तो मेरा पैर दिखा रहे थे गाइस, ऋतिक पूरा भीग चुका है गाइस, वो पूरा कपड़ा गीला हो गया है बॉस, उसे गाड़ी वाटर प्रूफ है भाई, बहुत ही भयानक दौर से हम गुजर गए हैं। अरे कुछ नहीं है यार, राउंड आराम से काफी इंटरेस्टिंग है ये, चलो ऋतिक आगे बढ़ो। एडवेंचर करते हुए हम जा रहे हैं, पता ही नहीं रखते है, बहुत जगह है भाई, चलो ना हम गए हैं भाई, चलो ना। हाँ तुम्हारा कैसे, हम सच बोल रहे हैं, ठीक
आगे निकल गया। अरे पानी में चलते जाओ ना यार, कुछ नहीं होगा। हम फंस गए हैं, ऋतिक को मौत में धक्का देते हुए, और हम अभी चलो बहुत नजदीक है अभी अपने लक्ष्य, बहुत ही कम दूरी है बस नजदीक। देख लीजिए बस ये पानी, देखिए ये पानी और वो रहा झरना। दंतक में ये क्या है? घंटा ऋतिक का हम लेके आए थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत काम का ये दंता है। देखिए ऋतिक बोल रहा है फ्रिज को फेल कर देगा ये पानी। चलो चलो आगे बढ़ना है, चलो आगे बढ़ना है, रुक जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं आप लोग को ऐसा पानी की आवाज़ सुनाता हूँ, सुनिए कुड़ी हुई यार दी साउंड, क्या आप लोग को ये आवाज़ आ रही है? अब हम लोग गाइज हम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इस चीज को आप देखिए, यार देखिए कितना पानी है, देखिए कितना पानी है इस जगह। ठीक है हम पानी को नापते नापते चल रहे हैं। गाली खाई सो गाइज आप लोगों ने देखा हमने कितना मेहनत किया। ठीक है और अभी झरने के पास है हम लोग। ठीक है तो झरना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है, बस बहुत मेहनत लगी है, पूरे पैर छिल चुके हैं अंदर से। ठीक है लेकिन दिखाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कितना मेहनत किया है। पता नहीं आप लोग मेहनत को देख के जज करोगे या नहीं करोगे। प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, और यहाँ पे आने की सारी डिटेल्स मैं आप लोग को बताता हूँ घर जाने के बाद। सो हे गाइस कैसे हैं, और जैसा कि मैंने आप लोग को बोला कि दमाकुल के मैं आप लोग को पूरा बजट बताऊँगा दमाकुल जाने के लिए, तो एट फर्स्ट वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है वीडियो पसंद आया होगा तो, और देखिए एक्चुअली में आपके बाइक पे डिपेंड करता है, 50 किलोमीटर्स हैं। ठीक है 50 किलोमीटर्स हैं ये गोड्डा से, और अगर आप जाते हो तो मे बी ज़्यादा नहीं अराउंड, अगर आप 5 लीटर्स भरवा लेते हो अपने गाड़ी में, ठीक है 5 लीटर का भरवा लेते हो तो आप इजीली आ जाओगे वहाँ से वापस। ठीक है अगर आप बुलेट भी यूज़ करते हो तो भी बुलेट से भी आप इजीली 5-6 लीटर्स में आप इजीली आ सकते हो। ठीक है और रूट बहुत ही सेम है, आपको बस गूगल को फॉलो करना है। गूगल को अगर फॉलो करोगे सही से तो आप इजीली वो आपको एक परफेक्ट लोकेशन पे आपको वो पहुंचा देगा, लेकिन अगर आप हल्का सा भी उधर जाओगे तो गूगल आपको 2-4, 2-10 कर देगा वो, तो उससे बस बच के रहना। बाकी पूरी जगह बहुत ही अच्छी है और वीडियो आप लोग को बहुत पसंद पड़ेगी। ठीक है और जब भी निकलोगे तो मैं आपको बोलूँगा अकेले मत जाना, अगर अकेले जाओगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है और बहुत ही पत्थर उत्थर को क्रॉस करने के बाद हमारे तो पैर में भी पूरा छड़ा वाला सा कुछ पड़ चुका है, बट कोई नहीं आप लोग जाना अच्छे से जाना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और वो जगह भी बहुत पसंद आने वाली है। और तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो।